पंजाब पुलिस ने एक बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा किया है। खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल सिंह ने पंजाब को भारत से अलग करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह ने अलग खालिस्तानी देश की करेंसी, राजनीतिक नक्शे से लेकर झंडे तक सब कुछ तैयार करा लिया था। साथ ही उसने पंजाब को भारत से अलग करने के लिए निजी सेना आनंदपुर खालसा फौज भी तैयार कर ली थी, जिसे बाकायदा रेंज बनाकर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पंजाब के खन्ना जिले के एसएसपी अमनदीप कौंडल ने मीडिया को बताया कि अमृतपाल सिंह के गनमैन तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा ने अहम जानकारी उनको दी है। उसने खालिस्तान का नया झंडा, अलग करेंसी का नक्शा दिया है जो अमृतपाल ने तैयार कराए थे। गोरखा बाबा ने बताया आनंदपुर खालसा को ट्रेनिंग देने के लिए अमृतपाल सिंह के गांव जल्लूपुर खेड़ा में फायरिंग रेंज बनाई गई थी। गोरखा बाबा ने रेंज में हथियारों को ट्रेनिंग देने के लिए वीडियो भी पुलिस को दिए हैं। पुलिस ने ये वीडियो भी जारी किए हैं। गोरखा बाबा के मुताबिक AKF के हर सदस्य को फौज की तरह एक स्पेशल बेल्ट नंबर अलॉट किया जाता था। इसके अलावा अमृतपाल ने अपनी सुरक्षा के लिए कई क्लोज प्रोटेक्शन टीम बनाई थी। व्हाट्सएप पर आनंदपुर खालसा फौज का ग्रुप बनाया गया था, जिसमें नए लड़के जोड़कर उन्हें सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को उकसाया जा रहा था। एक अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में अमृतपाल सिंह के करीबियों का था, जो कौंडल के मुताबिक गोरखा बाबा ने बनाया था। कौंडल के मुताबिक गोरखा बाबा ने बताया कि अमृतपाल ने पंजाब वापस लौटते ही ऐसे रिटायर फौजी तलाश किए जिनका बैकग्राउंड विवादित रहा है। इन फौजियों में से हथियारों के लाइसेंस वाले 19 सिख बटालियन के वरिंदर सिंह और 3rd Army Punjab के तलविंदर को उसने अपने साथ जोड़ा। ये दोनों फायरिंग रेंज में हथियार चलाना सिखा रहे थे। इन दोनों के लाइसेंस पिछले दिनों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रद्द कर दिए हैं। फिलहाल अमृतपाल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत असम के डिब्रूगढ़ ले जाया गया है। वहीं यह खालिस्तानी अपने आंदोलन के राज उगलेगा। डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। असम पुलिस ने जेल कंपाउंड को पूरी तरह से घेर लिया है। वहां ब्लैक कैट कमांडो से लेकर CRPF तक को तैनात कर दिया गया है। जेल के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। डिब्रूगढ़ ट्रैफिक पुलिस को भी एयरपोर्ट से लेकर जेल तक 15 किलोमीटर लंबी सड़क पर नजर रखने के लिए अलर्ट कर दिया गया। सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों के साथ एक स्पेशल टीम भी लगी हुई है। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने 1 महीने से अधिक समय तक फरार रहने के बाद सुबह करीब 6:45 पर उत्तरी राज्य के रोड़े गांव से गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर के उसके 9 सहयोगी वर्तमान में डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। 19 मार्च को वारिस पंजाब डे के 4 सदस्यों को पहले जत्थे में यहां लाए जाने के बाद से जेल परिसर और आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब माना जा रहा है कि अमृतपाल सिंह खालिस्तान को लेकर के अपने सारे राज पुलिस के सामने उगलेगा, क्योंकि अब तक जो बातें कही जा रही थी वो सब कयासों पर आधारित थी। लेकिन अब अमृतपाल सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। ऐसे में उसे कई अहम सवाल पुलिस करेगी, लेकिन सारी पूछताछ उससे असम में ही की जाएगी ताकि पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई भी खतरा न आए। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी पंजाब के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वीडियो डेज अमर उजाला .com